अब जा रहे हैं, चलते हैं भुल्ली, आप लोगों को भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर छठ पर्व कैसे होता है। तो देखिए सब बच्चों को, सबको लेके जा रहे हैं, हस्बैंड सिर्फ नहीं जा रहे हैं, वो रहेंगे घर देखेंगे, क्योंकि चुटकी है, चुटकी है ना, चुटकी को भी देखना पड़ेगा ना, और वो उसको तो एक आदमी चाहिए ही। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, थोड़ी देर में आपको भुल्ली में मिलूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग निकल गए हैं। तो ये बाहर का रास्ते का व्यू है, वो भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं। कितना सुंदर देखिए बाहर से लग रहा है। तो आप लोग देख के बताइए कि कहाँ का हो सकता है ये सब सीन, रास्ते का व्यू कहाँ का है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. दिखाते हैं, अभी दीदी कथा सुन रही है, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं भी पूजा में बैठ गई थी, कथा सुनना चाहिए बैठ के, तो वही मैं बैठ के कथा सुन रही थी। पहले मैं गई थी पर अपनी ननद के यहाँ, वहाँ कुछ दिन बैठी और वहाँ भी था थोड़ा धोना होना, वो सब धो करके, और मैं गई थी दोनों तरफ था पुराने, तो वही मैं कर रही थी। ऐसे तो मेरी गोतनी थी वहाँ, वो संभाल ली थी सब कुछ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जाती थी वहाँ। तो फ्रेंड ये दूसरे दिन का क्लिप है, पहली अरग का, वो तो मैं खरना के दिन गई थी ना वहाँ, तो ये पहली अरग का सुबह वाला वीडियो है। तो इस दिन हम लोग सब मिलके प्रसाद बना रहे हैं, ठेकुआ जो सबसे मेन प्रसाद है छठ व्रत का, तो वही हम लोग सब मिलके बना रहे हैं। इसका तो आटा सब
बना दिए थे। ये तो जेंट्स लोग ज़्यादा ही अच्छा से बनाते हैं, हम लोग से नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ही हार्ड काम है इसका आटा लगाना ठेकुआ का। तो वो मेरे दीदी का बेटा और मेरा भाई भी था छोटा वाला, तो वो लोग मिलके तो आटा लगा दिया था। उसके बाद दीदी वहाँ पे तल रही थी ठेकुआ, और ये हम लोग, ये दीदी की एक फूआ सास है, वो सब मिलके। और इसमें है प्रसाद बनाने में, जब तक चार पांच आदमी नहीं भिड़ेंगे तब तक नहीं बनता है, क्योंकि उसी दिन आपको कम से कम 3-4 घंटा में ये कंप्लीट करना है, फिर शाम को घाट पर भी जाना होता है, तो इसीलिए 4-5 आदमी को भिड़ना पड़ता है। तो दीदी मेरी चली गई थी प्रसाद लेने, उसके बाद मैं भिड़ गई थी ठेकुआ छानने के लिए, और ये लोग सब बना रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी छानते जा रही थी क्योंकि काफ़ी सारा रहता है, देख सकते हैं आप लोग कितना सारा है बनाने के लिए। तो लगभग हम लोग का पूरा बन ही गया था, थोड़ा सा बस वही 2 किलो के लगभग में रह गया होगा ठेकुआ। तो वो आने के, घाट के आने के बाद दीदी उसको छानी थी। तो देखिए ये मैं भिड़ गई हूँ, और ये छठ पूजा में ये सब करने में भी बहुत आनंद। अब हम लोग शाम का सब जाने के लिए रेडी हो गए थे। देखिए रेडी होने के बाद फिर हम लोग 4 बजे हम लोग निकल गए थे, 4 बजे क्या, हम लोग 3:30 बजे ही निकल गए थे घाट पर जाने। तो चलिए फ्रेंड हम लोग रेडी हो गए हैं, और देखिए टाइम कितना हो गया, 4 बजने वाला है, 20 मिनट बाकी है। आप लोग भी देखिए, सीधा घाट पे आप लोग को मिलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे होता है हम लोग का छठ पूजा का फेस्टिवल। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप सबसे। ये मैं रोड में भी ली हूँ थोड़ा सा क्लिप। तो देखिए हम लोग अभी कितना इंजोला था, हल्का हल्का तो सूर्य भगवान अभी रोशनी था कुछ ज़्यादा ही, लेकिन जाते जाते देखिए एकदम ढल गया था रोशनी क्योंकि सूर्य भगवान नीचे आ गए थे। तो इस तरह अर्घ देते हुए जाया जाता है, डड़वत इसको बोलते हैं। तो कम से कम 5 बार इस तरह करना रहता है, रास्ते में आप करते जाइए जगह जगह पे। तो ये देखिए हम लोग घाट पे आ गए हैं, दीदी नहा वाली थी, उसके बाद मैं अब इसको सूप दूंगी दीदी को, वही मैं यहाँ पे इनका आंचल में ये पूजा कर रही हूँ क्योंकि इसी पर सूप लेना रहता है। और कितने लोग हैं जिनको इसी तरह से, जिनके यहाँ होता है छठ, हम लोग के यहाँ तो इसी तरह से होता है, आंचल पे देखिए नहा वहा के आंचल फैला लेती है, उसी पर सारा ये इसमें चौरेठा, आटा वाला चौरेठा रहता है, सिंदूर रहता है, अक्षत रहता है, फूल रहता है, एक का सैली रहता है, ये सब आंचल में देना रहता है। सिंदूर से आंचल में भी पूजा करना पड़ेगा और मांग भी टेकना पड़ता है। उसके बाद फिर सूप इस पे रख दिया जाता है, उसके बाद सब इसमें सूप पे दूध ढारते हैं, अर्घ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग का नियम रहता है छठ पर्व में। तो ये देखिए ये तो हो गया कंप्लीट, अब बस सूप देना है। तो अब मैं ये सूप दे दूंगी दीदी को, उसके बाद सारे बच्चे, सब जितना हम लोग फैमिली हैं सब मिलके सूप पे दूध ढारेंगे, वही सूर्य भगवान को अर्घ देना हो जाएगा। तो मैं पहले सारे बच्चों को बोल रही हूँ, सब कर लिए, तो वही मैं साइड हो गई, पहले सारे बच्चे लोग जितने हैं सब कर लेंगे, उसके बाद। और यहाँ मैं बोल रही थी बेटी लोग को, सब एक एक करके दे देना दूध ढार देना। तो जो दूरी में भी रहते हैं वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ सकते हैं, नियम तो करना रहता है। तो कम से कम 5-5 बार करना रहता है। Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. देखिए फ्रेंड, ये वो तो शाम का था अर्ध देना, ये सुबह वाला है। तो अब हम लोग सुबह वाला में भी आ गए हैं घाट पर। और ऐसे तो हम लोग आए थे उस टाइम पूरा अंधेला ही था, लेकिन थोड़ा देर जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य नज़र नहीं आते सूर्य भगवान, तब तक नहीं सूप देना चाहिए, जैसे पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए हल्का हल्का सूर्य भगवान नज़र आने लगे थे। और देखिए काफ़ी भीड़ था, ये पूरा वहाँ तक भीड़ है। तो अभी तो सूर्य भगवान नहीं निकले थे, तो जब निकल जाएंगे सूर्य अस्त हो जाएगा, मतलब सॉरी सूर्य जब निकल जाएंगे सूर्य भगवान, तो यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान निकल गए थे। तो अब मैं दूसरे दिन का पूजा कर रही हूँ सेम उसी तरह से। तो ये देखिए सूप वगैरह सब दे के अब सब मिल के दूध ढा रहे हैं। तो ये वाला जब नियम हो जाता है उसी तरह जैसे शाम को दिया जाता है, सेम उसी तरह से सुबह वाला में दिया जाता है। तो देने के बाद इसमें सुबह में कुछ ज़्यादा रहता है काम, तो जब ये वाला पूजा हो जाएगा उसके बाद फिर वहाँ पे धूप जलाया जाता है। शाम वाला में तो सिर्फ जो पूजा करती वही धूप देती है, लेकिन सुबह वाला में सबको नहा धो के जाते हैं, और सब जितने भी परिवार में लोग हैं सब मिल के वहाँ धूप देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं छठ माता से। और फिर उसी दिन सब प्रसाद वगैरह बांटा जाता है वहीं घाट पे। फिर जो परवैतिन रहती है, जो छठ की हुई रहती है, वो सबको मांग टिकती है, सबको आशीर्वाद देती है, खोइछा में प्रसादी देती है। इस तरह से सब नियम होता है। तो यहाँ देखिए सब बच्चे मिलके, जितने भी फैमिली में लोग हैं सब मिलके दूध ढार ले रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके यहाँ पूजा होता है उसी में सिर्फ दूध ढारना पड़ता है, आप अगल बगल में हो रहा है वहाँ भी जाके दूध ढारिए, इसमें बहुत पुण्य मिलता है इस पूजा में। और सबसे बड़ा और सबसे महापर्व समझिए कि ये छठ पूजा का त्यौहार है। तो घाट पे से हम लोग निकल गए थे, तो जहाँ मेरी दीदी रहती है वहाँ पे देखिए कितना ही प्यारा सा दुर्गा माँ का मंदिर है, और उनका मूर्ति कितना बड़ा और कितना विशाल है। ये मूर्ति मुझे इतना पसंद है ना, मेरी दीदी लोग जब भी वीडियो में दिखाती है ना ये मूर्ति, ये नवरात्रि ये सब मेरी दीदी लोग यहीं करती हैं। दुर्गा पूजा का यहाँ बहुत बड़ा पंडाल और मेला भी लगता है, तो आज मेरा भी हो गया भाग्य यहाँ दुर्गा माँ का पूजा करने का। मुझे इतना खुशी मिला ना ये पूजा करके दुर्गा माँ का, इनका मूर्ति देख जैसे देखिएगा तो लगेगा बैठ के देखते ही रहे। तो फ्रेंड देखिए आ गई हूँ मैं अपने घर में, इसको पकड़ने नहीं, और इतना थक गई हूँ ना, 2 बज गया हम लोग आने में। घड़ी आप लोग दिखाते हैं, ये देखिए देख सकते हैं 2 बज गया है, और थक गए गाड़ी से आके। अब चलते हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए। ऐसे तो हम लोग खाना खा के आए हैं, शाम को एक ही बार बनाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत 2-3 दिन का तो थकावट हो गया है। और मेरा ब्लॉग देखिए सब एडिट करेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे वहाँ छठ पूजा किए थे सब। तो चलिए, तो फ्रेंड मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं की थी, तो सुबह में मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। और मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। तो अपना वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से एक अच्छे ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।